मैं सीमेंट की दुकान पे काम करता था। भाव जी दो तीन भगोने तो ये उठ जाते होंगे आपके? हाँ जी, ये तीन पतीले उठ और ये प्याज काट के रखते। अच्छा, इस तरीके से तो ये सब्जी मिलती है। ये यहाँ पे विचित्र, मतलब विचित्र क्या, बहुत ही स्वादिष्ट दाल की कचोरियाँ बन रही है, दाल ही दाल भरी हुई है अंदर। राम राम सर सभी को, खम्बा गणी सा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों मेरे पीछे आप ठेली देख रहे हो, पता है ये कहाँ है? अलवर से 57 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, नारायणपुर से 10 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है कराना। और इनकी सब्जी बहुत सारे लोगों ने ट्राई करी लेकिन नहीं बना पाया ऐसी सब्जी, और वो जो नींबू की मिर्च देते हैं ये। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, बात करता हूँ कि कहाँ से सीखा और कैसे बनती हैं सब चीज़ें। भाई छोटी सी ठेली है, जब रिटायर हो गए थे तब सोचा कि काम खोलें, और ये इनका बाजार है कराना का, वहाँ लगाते हैं। और जी कितना टाइम हो गया आपको ये बनाते हुए कचोरियाँ? 20 साल। आप यही बना रहे हो कराना गांव में? कहाँ से सीखा बाबूजी ये काम? मेरे पिताजी हलवाई थे खुद। वो कहाँ करते थे हलवाई पने का काम? वो दुकान थी हमारी पुरानी। अच्छा, पीछे करते थे। हाँ। कचोरी पापा जी ने बनाई या आपने बनाई पहली बार? कचोरी उस टाइम नहीं बनती थी, ये हमने बनाई। तो ये काम कहाँ सीखा आप? दिल्ली। दिल्ली सीख के आए थे? तो दिल्ली में कहाँ काम किया था आपने? कोटला मुबारकपुर। तो वहाँ किसके काम किया था बताएंगे उनका नाम? काम तो मैं एक सीमेंट की दुकान पे रहता है, लेकिन उसने सामने ही ठेली लगा रखी थी। अच्छा, उसके यहाँ से। वैसे नाम बता सकते हैं उनका? उसका वो तो गुजर लिए, अब ठेली भी बंद हो गई उनकी। दीनदयाल नाम था उनका। दीनदयाल जी का नाम था? दीनदयाल गुप्ता, वो रहने वाले थे खेड़ली कठूमर की। अच्छा अच्छा। और जी मैं कठूमर की पैदाइश हूँ ऐसे और आपसे मिल रहा हूँ। तो ये जो कला है अचल, बेसिकली खेड़ली कठूमर से निकली है, तो वो उन्होंने आपको सिखाई। वहाँ कितने साल काम किया आपने दिल्ली में? मैंने वहाँ भी 22-23 साल काम किया। वहाँ 22-23 साल काम करने के बाद फिर आप अपने गांव में आ गए, ऐसा क्या कारण रहा वहाँ से छोड़ने का? मैं सीमेंट की दुकान पे काम करता था, उनके यहाँ नहीं करता था। तो ये वैसे देखा देख में सीख गए? वैसे ही। तो फिर आपने सोचा कि आप बहुत हुआ उठाना, भी एक बनाना सीखे? यहाँ पे थाली डोलते थे। अच्छा। और दो बच्चों की शादी कर दी थी। अच्छा। फिर बच्चे चले गए कमाने, उन्होंने कर दिया मना कि अब नहीं जाओगे, घर पे रहो, अगर आप कमाओगे तो हम फिर बैठ के खाएंगे। तो फिर मजबूरी में काम करना पड़ा। तो बाबूजी कौन सा तेल यूज़ करते हो आप कचोरी बनाने में? चंबल। रिफाइंड ऑयल होता है ये? रिफाइंड ऑयल। तो बाबूजी जो कचोरी होती है, जो मसाला बनाते हो, एक बार वो दिखाओगे मसाला? खाएं आप? जरूर दिखाऊंगा। और ब्रेड पकौड़े और समोसे बनाते हो? सब कुछ। तो बाबूजी एक बार बताओ कितनी कचोरी निकाल देते हो दिन भर में आप? देखो जी, दिन भर में 200 कचौरी तो निकल ही जाती हैं, अगर ऑर्डर आ जाए तो ज़्यादा ही, सारे पीस मिला के 500-600 पीस निकलते हैं। तो ये गांव वाले ऑर्डर करते हैं, थोड़े बाहर के भी आ जाते हैं? बाहर के भी। बाहर के कहाँ से? जैसे राजनोता, संतोषी, लालपुरा, नरसी की डाणी, नया। अच्छा, ये आसपास के गांव जो हैं? हाँ। बांसूर, नारायणपुर तक भी आ जाते हैं? बांसूर, कोटपुतली भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये है। तो बाबूजी मतलब कितने की दे रहे हो अभी कचौरी? कचौरी 20 रुपये की। 20 रुपये की कचौरी। शुरू में कितने की बेची थी आपने? शुरू में मैंने 5 रुपये की 2 बेची थी। यही साइज था? नहीं, छोटी थी थोड़ी। वो जो दिल्ली में खस्ता कचौरी बनाते हैं ना? अच्छा, वो बनाई थी पहले? पहले वो थी। तो वैसे इसमें मसाले में कुछ एक्स्ट्रा गिरता है या वही सब चीज़ें गिरते हो आप? मसाले में सब चीज़ें गिरते हैं जो गिरते हैं। जैसे बताओ क्या क्या गिरते हो आप? अब आपके सामने मसाला देखो आप, प्याज की कचौरी बनाते हैं, ग्राहक प्याज की मांगेगा प्याज की देंगे, दाल की मांगेगा दाल की देंगे। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा प्याज की बिकती है दाल की? दाल। दाल की? दाल कौन सी यूज़ करते हो? वो मूंग वाली आती पीली दाल। चोला वाली यूज़ नहीं करते? नहीं। अच्छा, ज़्यादातर अलवर में चोले की दाल से बनती है? वो 10 रुपये सस्ती पड़ती है और कोई बात नहीं है। किसकी सब्जी है ये? सब्जी आलू छोले हैं। अच्छा भाजी, दो तीन भगोने तो ये उठ जाते होंगे आपके? हाँ जी, ये तीन पतीले उठ। और ये प्याज काट के रखते? अच्छा, इस तरीके से तो ये सब्जी मिलती है? ओके। ग्राहक की इच्छा कैसे खाएगा उसी हिसाब से पकड़ाएंगे हम। अच्छा, और ये मिर्च? ये हरी मिर्च। अचार मिर्च है? अचार मिर्च। क्या बात, नींबू की मिर्च होंगी? सॉरी। हाँ जी, खाएंगे आपको बहुत टेस्टी लगेगी, खा के देखो। एक और लो ना अलग से, उसमें क्या खाओगे। और ये है इनका भाई मसाला, देखो ये दाल का मसाला है। अच्छा, इसमें क्या क्या, क्या मिलाते हो आप? इसमें दाल है, दाल भुनने के बाद में हल्दी मिर्च, सौंफ, थोड़ा बेसन। अच्छा, ये। और ये क्या है? ये प्याज के है। अच्छा, प्याज भुनने के बाद में वही मसाले इसमें डाल। अच्छा, ये सेम चीज। तो दाल भूनते हो आप? हाँ। मतलब उबालते नहीं हो? भिगो के भून देते हैं तेल में, फ्राई करके फिर मसाला डाल। इस तरीके से कर सब बनती है ये। यहाँ पे
विचित्र मतलब विचित्र क्या, बहुत ही स्वादिष्ट दाल की कचौरियाँ बन रही है, दाल ही दाल भरी हुई है अंदर, और ये दाल भी थोड़ी अलग है, मूंग की पीली दाल। और हम यहाँ पे ये सब्जी जो है आलू और प्याज मिला के देते हैं बाबूजी बड़े प्यार से। दिल्ली में ये काम सीखा है इन्होंने, खेडली से आए थे वो जिन्होंने बनाई थी। उसके बाद ये नींबू, नींबू की मिर्च, भाई ये कॉम्बिनेशन लाजवाब है। मिर्च जो है नींबू की अलग ही स्वाद में समझ लो तड़का छोड़क दिया हो जैसे। वाह, कहाँ से आए हो आप? अलवर से आए खाने? देखो यहाँ लोग दूर दूर से खाने आते हैं। इनका तो डेली का काम है भाई साहब, ये बन जा रहे हैं व्यापारी लोग। अच्छा, मेरे पास ज़्यादातर कस्टमर यही हैं। तो भाई सीरियसली सब्जी औसम, अदरक नहीं था, लहसुन नहीं था, प्याज भी नहीं था, लेकिन फिर भी औसम थी सब्जी, क्योंकि वो सीक्रेट है इनका, हींग और मेथी वाला सीक्रेट वो मिलाते हैं इसमें। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। राम राम से सभी को, खम्मा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। आओ ना आप पहले हाँ लगाओ, एक लगाओ चूर के लगाओ या अलग दूँ? कैसे लेगा दिनेश? अलग ये चूर के जैसे गांव वाले खाते हैं ना, अलग ही दे इधर आओ, इधर आओ थे बैठो, इधर आओ कोई बात, अलग ही दे दो बाबूजी, अलग ही देंगे, अलग ही देंगे, कोई बात।